2016 में ऑस्ट्रेलिया से मार्क नाम का एक लड़का अपने पिता को लेकर जैसे ही हिंद महासागर में मछली पकड़ने के लिए पहुंचा तो कुछ दूरी पर उन्हें पिंक कलर की बोल नुमा एक बहुत बड़ी सी चीज दिखाई दी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद कोई नाव पलट गई है, लेकिन थोड़ा पास गए तो समझ में आया नाव तो नहीं है, लेकिन बहुत अजीब सी चीज थी। लेकिन जब बिल्कुल पास पहुंचे तो उन्हें समझ में आ गया था कि व्हेल की डेड बॉडी है। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसा दिखे तो तुरंत उसे दूर भाग जाइए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। होता कुछ यूं है कि व्हेल के मरने के बाद उसके अंदर के बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। अब चमड़ी मोटी होने की वजह से वो गैस बाहर नहीं निकल पाती और प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फट पड़ती है। अब अगर ऐसा कुछ दिखे इन फ्यूचर तो सावधान जरूर रहिएगा। गाइज, इस वीडियो को देख के मेरा दिल पसीज गया है, सच बता रहा हूं। कोरोना से लड़ने के लिए और इन मरीजों की सेवा करने के लिए डॉक्टर्स लोग अपनी जान हथेली पे रख के पूरे दिन अपना फर्ज निभा रहे हैं। पूरे दिन मास्क पहनना पड़ता है और उसके बाद जब उसको निकालते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है। इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। हमें कोरोना ना हो इसके लिए घर पे बैठने को गुजारिश की गई, कहा गया, लेकिन हम लोग हैं कि टिकते ही नहीं। घर पे बैठिए ताकि इन डॉक्टर्स लोगों को भी अपने घर जाने का समय मिल सके। कोरोना के पेशेंट कम होंगे तब तो ये लोग घर जा पाएंगे। समझिए, घर बैठिए।